हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भवती करियर क्लासेस में। सी सेट 2016 के क्वेश्चन नंबर 26 से 50 हम लोग आज इस वीडियो सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड हम लोग करेंगे। स्क्वायर काउंटिंग के यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, रैंकिंग का एक क्वेश्चन, परसेंटेज का एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन डायरेक्शन के जो कि बेसिकली एक पजल के फॉर्म में हमारे सामने आने वाले हैं, एक क्वेश्चन मिरर इमेज का, एक क्वेश्चन ऑड मैन आउट का, एनालॉजी के दो क्वेश्चन जिसको हम लोग सादृश्यता कहते हैं, एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर का, दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, एक क्वेश्चन जंबलिंग, एक क्वेश्चन परम्यूटेशन, दो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, एक क्वेश्चन सिलॉग का और सामान्य बुद्धि अभिक्षमता के चार प्रश्न। इस प्रकार से कुल 25 प्रश्न आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो सेशन को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं। तो देखिए, तीन वर्ग आपको दिख रहे होंगे और उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, तो मैं सबसे अंदर वाले के साथ स्टार्ट करूंगा। एक, दो, तीन, चार, और इसके बाद इस बड़े वाले को मैं एक मिला लूं तो कुल पांच वर्ग हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मैं सेकंड वाले इस वर्ग को लेके चलता हूँ तो पांच वर्ग मुझे यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और इसी प्रकार सबसे बाहर वाले में भी मुझे पांच वर्ग मिलने वाले हैं, तो कुल 15 वर्ग मुझे मिलेंगे। तो मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 15 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मिस्टर कुमार के दादाजी अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो उसमें लिखा हुआ है पैटर्नल ग्रैंडफादर, और पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है पिता के पिता। तो भाई मिस्टर कुमार के कोई पिता होंगे जिसको मैं प्लस से इंडिकेट करता हूँ, पुरुषों को प्लस से दर्शाएंगे और महिलाओं को माइनस से। मिस्टर कुमार के पिताजी के भी पिताजी है ना, उसने कहा इनका एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। ठीक, इतनी ड्राइंग हम लोगों ने कर ली। आगे कहता है मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ एवं तीन चाचा हैं। इसका मतलब मिस्टर कुमार की पुत्री अगर मैं यहाँ बनाऊँ उसके ऊपर माइनस का साइन लगाता हूँ। अब इस पुत्री की दो बुआ हैं, दो बुआ मतलब मिस्टर कुमार की दो बहनें होंगी, तो माइनस का साइन लगा देता हूँ। और ये जो डबल का इंडिकेटर मैं लगा रहा हूँ ये बेसिकली आपको भाई बहन का रिश्ता दर्शाएगा। हालांकि इस प्रश्न में इसका उपयोग नहीं है, लेकिन कहीं और किसी प्रश्न में इसका उपयोग आए तो आपके इंडिकेटर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट में घुसा दो, इसलिए इंडिकेटर बहुत क्लियर होने चाहिए और उसी के अनुसार आपको कार्य भी करना चाहिए। हाँ जी, लाइन में ये कहा गया था पुत्री के दो बुआ और तीन चाचा, इसका मतलब मिस्टर कुमार के तीन भाई होंगे, तो एक, दो और ये तीन भाई। ठीक, अंत में क्वेश्चन पूछा गया मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्या होगी। तो मिस्टर कुमार के दादाजी अर्थात इनके बारे में बात चल रही है, इनके पोते अर्थात एक मिस्टर कुमार और तीन इनके भाई, तो पोते हो जाएंगे चार और पोतियां हो जाएंगी दो। लेकिन देखिए उत्तर चयन करते वक्त ध्यान रखिएगा, उसने क्रमशः वर्ड लिखा है और पहले पोतियां पूछा है, तो दो और चार, पोतियों की संख्या दो, पोतों की संख्या चार, आपका आंसर बनेगा बी। जल्दबाजी में ऑप्शन डी लगाकर मत आ जाइएगा। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 18 है, रैंकिंग पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन ये हैं, देखते हैं प्रश्न पढ़ते हैं। के, एल, एम और एन चार व्यक्ति हैं, आयु में के सबसे बड़ा है पर सबसे निर्धन है। इंग्लिश में जब हम लोग इसको देखेंगे के इज द ओल्डेस्ट बट नॉट द पुअरेस्ट, अर्थात दो चीज़ों पे हम लोगों को इनका रैंक अरेंज करना होगा, एक होगा उनकी आयु के अनुसार, ठीक, और दूसरा होगा उनके निर्धनता के अनुसार। ठीक, ये दो रैंक्स हम लोगों को जमानी हैं। आगे डाटा पढ़ते हैं, सबसे पहले कहता है एम सबसे अधिक धनवान है, तो देखिए मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में जमा रहा हूँ। एम सबसे धनवान है मतलब एम को मैं पहले लिखूँगा, ठीक है, पर आयु में सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब एम यहाँ पर पहली पोजीशन पर आने वाला नहीं है, है ना, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड लाइन कहती है एल आयु में
एन से बड़ा है परंतु के अथवा एम से नहीं, है ना। एल आयु में एन से बड़ा है, तो देखिए एल जो है आयु में एन से बड़ा लिखूंगा लेकिन के और एम से छोटा लिखूंगा। इसका मतलब चार लोग जो आयु में हैं, एल मेरा तीसरे नंबर पर हो जाएगा, एन चौथे नंबर पर हो जाएगा, के और एम कहीं ना कहीं मेरे पहले दो रैंक पर आने वाले हैं। अच्छा, एक लाइन हमारी छूट गई थी सबसे ऊपर वाली, जिसमें ये कहा गया था आयु में के सबसे बड़ा है पर सबसे निर्धन नहीं है। इस लाइन को हम लोग अरेंज कर लेते हैं भाई। आयु में के सबसे बड़ा है, एल और एन को हम लोग अरेंज कर चुके हैं, एम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और उसने देखिए कहा भी था कि एम सबसे अधिक धनवान है लेकिन सबसे अधिक आयु वाला नहीं है, तो ये बात भी हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। हाँ जी, जितने लाइनें हम लोगों ने सॉल्व कर ली उसके आगे बढ़ेंगे। एल आयु में एन से बड़ा है परंतु के अथवा एम से नहीं, ये हम लोग अरेंज कर चुके थे। अगला बोलता है के एल से अधिक धनवान है पर एन से अधिक नहीं, तो ये अरेंज ऐसा होना चाहिए कि के जो है एल से अधिक धनवान है परंतु एन से नहीं, मतलब एन के पास के से ज़्यादा पैसा है। तो इन तीनों का जो ऑर्डर है वो हमारा क्लियरली अरेंज होता है एन के और एल। तो आयु के अनुसार घटते क्रम में और निर्धनता के अनुसार भी घटते क्रम में हम लोगों ने चीज़ें अरेंज कर ली। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। चारों व्यक्तियों को क्रमशः आयु और धनाढ्यता के आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब हमें यहाँ से इनको उल्टा लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ये जो अरेंज करा ये अवरोही था, है ना। इसको व्यवस्थित करना है हम लोगों को, साथ ही साथ हमें ये ध्यान भी रखना है क्रमशः बोला है तो आयु पहले लिखेंगे तो हमारा आंसर बनेगा एन एल एम के और एल के एन एम। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में पहले एन एल एम के लिखा है और सेकंड कॉमा लगा के लिखा है एल के एन एम, तो यही हमारा आंसर सही बनने वाला है अर्थात ऑप्शन नंबर बी। भाई ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि 1 जुलाई 2021 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 10 ही आपको यूनिट टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 3 टेस्ट आपको सी सेट के मिलने वाले हैं। कुछ और चीज़ें सी सेट के इस टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। एक डेमो टेस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा FLT और एक यूनिट टेस्ट, है ना। इसलिए कम से कम एक टेस्ट देके ज़रूर देख लें और अगर आपके आपको वो टेस्ट अच्छे लगे तो हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर लें। इस टेस्ट सीरीज को आप हमारे ऐप पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं और जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। 199 रुपीज़ केवल इसकी फ़ीस रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक माली ने अपने आयताकार बाग में इस प्रकार परिवर्तन किया कि लंबाई को 40% घटा दिया। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग पूरा लंबाई गुणित चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करें, तो एक बार उस पैटर्न पर देख लेते हैं और एक बार इसका शॉर्टकट भी मैं अभी आपको बता दूँगा। अभी जो क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है वो हमारा निकलता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो पहले अगर पहले केस में बात करूं जब ये परिवर्तित नहीं थे, एक्स और वाई ना माने, आप चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं लंबाई को मान लेता हूं 10, चौड़ाई को भी मान लेता हूं 10। हालांकि आयताकार बाग उसने बोला था तो लंबाई चौड़ाई दोनों 10 नहीं होनी चाहिए थी, है ना, लंबाई चौड़ाई अलग होनी चाहिए थी तभी तो आयताकार बनेगा, लेकिन अपनी सुविधा के लिए मैं 10-10 मान लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब ये परिवर्तन करने का कहा गया तो वैसे ही ये आयताकार क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा और हमने वैसे भी अज्यूम करा है। अगर इसको और बारीकी से आप देखें तो आपके आयत और वर्ग में केवल यही परिवर्तन होता है। ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान हों वो वर्ग कहलाएगा, है ना। इस वजह से भी मैंने इसको 10 और 10 ले लिया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले वाले केस में क्षेत्रफल मेरा बनेगा 100। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, परिवर्तन इस प्रकार करता है कि लंबाई को 40% घटा दिया। 40% घटा दिया मतलब 10 का 60% लंबाई बचेगी और 10 का 60% होगा 6। चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, पहले चौड़ाई 10 थी, 20% बढ़ा दिया तो 10 का 20% 2 होता है, तो अब चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 12। पहले वाले केस में क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल हमारे पास 72 आ जाएगा,
तो कितना प्रतिशत कम हुआ, 100 में से 72 माइनस करूंगा, 28% ये क्षेत्रफल हमारा कम हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी। इसका एक तरीका और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखने में तो ये हमें प्रश्न प्रतीत होता है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, लेकिन देखिए परसेंटेज वाले चैप्टर में भी ये बार बार क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 या फिर एम प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100 ना, इंडिकेटर आपका कुछ भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। इसके अनुसार अगर हम लोग चलें, लंबाई को 40% घटा दिया तो x को लिख दिया माइनस का 40 क्योंकि कम किया गया है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया तो y की जगह मैं लिखूंगा 20, आगे x की जगह माइनस 40 और y की जगह 20 अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 40 प्लस का 20 मतलब माइनस का 20, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा और माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 माइनस का 8 और फिर से देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, -28%, जो कि ये दर्शाएगा कि क्षेत्रफल 28% से कम हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इस पे आप देख पा रहे होंगे 30 से 33 यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये 9 घर हैं। सी जो है बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। देखिए मैं बी को यहाँ बनाता हूँ, ये मेरा बी, इससे 2 किलोमीटर पूर्व इस तरफ बना लेते हैं, ये क्या है सी, ठीक। आगे कहा गया ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है, तो भाई ए को कहीं ना कहीं यहाँ बना लेते हैं हम लोग जो कि बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है। आगे देखते हैं अगली लाइन, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है तथा एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है। भाई एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, मतलब ए से नीचे की तरफ वापस चलना है, बी पे जाएंगे तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हम और नीचे उतरेंगे, यहाँ पर बनेगा एच और यहाँ पर भी मैं 1 लिखूँगा ताकि 1 और 1 2 किलोमीटर की जो उसने दूरी बताई है वो हमारी पूरी हो जाए। अगली लाइन देखते हैं, जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो भाई एच का पश्चिम मतलब इस तरफ, यहाँ बनेगा हमारा जी, जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में है। भाई डी को जी के पूर्व में लेके चलना है तो वापस इस दिशा में ये पहुँचेंगे हम लोग एच पर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आगे और लेके जाना है, मतलब ठीक इस सी के नीचे, और इसका नाम उसने हमें क्या बताया था, डी, ठीक यहाँ बनेगा हमारा डी। और आगे बोलता है, अच्छा यहाँ पे मैं दूरी भी लिख देता हूँ 2। आगे कहा गया एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो जी का उत्तर मतलब इस तरफ चलना है हमको, एफ इस ए के ठीक सीध में आएगा, क्यों, क्योंकि एच से ए की जो दूरी थी वो 2 किलोमीटर थी और जी से एफ की दूरी भी 2 किलोमीटर है, तो एकदम सीध में आएंगे ये, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ। आगे देखते हैं क्या कहता है, आई बी व सी के ठीक मध्य में स्थित है, तो भाई बी और सी के ठीक मध्य में मतलब यहाँ कहीं आई आएगा, अर्थात ये जो दूरी होगी अब 1 और 1 में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, बराबर दूरी। फिर कहा गया जबकि ई एच व डी के ठीक मध्य में स्थित है, तो ई इस आई के ठीक नीचे आ जाएगा और ये दूरी भी 1 और 1 बन जाएगी। इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने अपनी ड्राइंग तो कंप्लीट कर ली है, अब इसके बेसिस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। 4 प्रश्न हैं, हाँ जी ये रहे हमारे 4 प्रश्न। यहाँ पर एक बार जो ड्राइंग थी उसको मैं फिर से बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि सॉल्व करने में काम आएगी। एफ हमारा यहाँ था, जी हमारा यहाँ कहीं था, के बाद एच बनाया था हम लोगों ने यहाँ, ए बनाया था हम लोगों ने यहाँ, और बी से ये था हमारा बी, और यहाँ से गए थे हम लोग सी तक, यहाँ बीच में था हमारा आई, यहाँ पर बनाया था हम लोगों ने ई, और यहाँ डायग्राम ड्रॉ करा था हम लोगों ने डी के लिए। तो ये 9 तो हमारे जो घर थे वो बन गए, और इनके बीच की दूरी लिखते हैं, ये 2 था, ये 1, ये 1, ये 1, ये भी 1, 1, 1 और 1, ठीक ये दूरी इनकी हो गई। प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न है ई और जी के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए ई और जी के बीच की दूरी 1 और 1 कितनी बन जाएगी, 2 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड आई, भाई ई और आई के बीच की दूरी निकालने की बोला, मतलब ये सीधी दूरी निकालनी है,
तो जो दूरी ये वाली है वही दूरी ये बनेगी, अर्थात 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ए और एफ़ के बीच की दूरी पूछता है, तो देखिए ए और एफ़ के बीच की दूरी ये नीचे वाली दूरी के बराबर ही होगी, जो कि है हमारे पास 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। ई से सी की जो दूरी है वो कुछ इस प्रकार से है, सी से डी अगर मैं आता हूँ तो ये एक है, और ई से डी अगर मैं जाता हूँ तो ये भी हमारे पास एक है। दूरी हमेशा न्यूनतम कैलकुलेट करते हैं, सीधी कैलकुलेट करते हैं, है ना। आप अगर ऐसे ऐसे होकर जाएंगे तो 2 किलोमीटर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, नहीं भी होगी तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं, जो कि ये कहता था कर्ण का वर्ग, और यहाँ पर कर्ण हमारा ईसी को ईसी डिनोट कर रहा है, कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग अर्थात सीडी का स्क्वायर, और आधार का वर्ग ईडी का स्क्वायर। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक, सीडी का स्क्वायर मतलब 1, ईडी का स्क्वायर मतलब 1, और ईसी का स्क्वायर करना है या फिर मैं इसको अंडर रूट में डाल दूं, ये बन जाएगा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ऑप्शन की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमें ये पूछा गया आकृति का दर्पण में सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है दर्पण में, हमें अगर मैं भौतिकी की भाषा में बात करूँ, पार्श्व उत्क्रमण की घटना देखने को मिलती है, और सामान्य भाषा में बात करूँ तो अगर आप सीधा हाथ हिला रहे हैं और कांच में अपने आप को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप उल्टा हाथ हिला रहे हैं। अगर आपने आज से पहले ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया तो कांच के सामने खड़े होकर प्रयास कीजिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के लेफ्ट वाले राइट हो जाएंगे और राइट वाले लेफ्ट हो जाएंगे, बस अब इसी बात को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये उठ के इस तरफ चला जाना चाहिए। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ अवेलेबल है, सी में सर्कल ऊपर नहीं है, मैं सी को काट रहा हूँ। बी की मैं अगर बात करूँ, देखिए सर्कल तो है लेकिन ये जो हाथ बना हुआ है ये हाथ यहाँ पर सीधा है, जबकि यहाँ पर हाथ ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलें तो सेम दिक्कत यहाँ पर भी है कि हाथ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर बनेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, जो कि कहता है विषम पद का पता लगाइए। भाई इसमें विषम पद का पता लगाएं, अब डी और आर साथ में नंबर 22, तो 22 तो नंबर है, डी और आर के भी हम लोग नंबर डाल लेते हैं। भाई डी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार चौथे नंबर पर आता है, आर इसी प्रकार से 18 नंबर पर आता है, बीच में लिखा हुआ है 22, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 18 और 4 का सम 22 होता है। हमें देखना पड़ेगा क्या नीचे वाली जो ऑप्शन है उनमें भी यही चीज़ लागू होती है। जी आता है हमारा 7वें नंबर पर, एम आता है 13वें नंबर पर, लेकिन बीच में लिखा है 29, 13 और 7 का सम 20 होता है, 29 नहीं। लेकिन ये सही है या गलत अभी आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही ऑप्शन आपने चेक करे हैं। नीचे वाले ऑप्शन को भी देखते हैं, टी आएगा 20 नंबर पर, टी का नंबर होता है 16 और बीच में लिखा गया 36, तो देखिए 20 और 16 का सम 36 होता है। अब मैं आंसर बी लगा सकता हूँ कि बी मेरा विषम है, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार चेक कर लूँ। बी 22वें नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है और बीच में लिखा है 24, मतलब 22 और 24 ये भी मेरा ठीक बैठता है। तो ए सी और डी एक जैसे हैं, जबकि विषम है मेरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। भैया टेस्ट सीरीज़ का हमारा एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन है, 1 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। केवल 199 रुपये इसकी फ़ी रखी गई है, जिसमें 10 FLT, 10 यूनिट टेस्ट और 3 CSET हैं। अच्छी बात यह है कि आपको डैमो टेस्ट मिल जाएंगे, इसलिए डैमो टेस्ट तो एटलीस्ट अटेंड कर लें और अपनी तैयारी को जाँच लें। अगला प्रश्न, चित्र 1 व 2 के बीच में खास संबंध है, उसी प्रकार का संबंध चित्र 3 व 4 में बनाने के लिए चित्र 4 का सही रूप कौन सा होगा। ठीक है, 1 और 2 में हम लोग पहले संबंध पता लगाते हैं। इस ओ
या फिर हम लोग इसको व्रत बोल लें, एक लाइन जैसा कुछ, है ना, लाइन जैसा कुछ मैंने इसलिए बोला क्योंकि नीचे मुझे प्लस दिख रहा है, हो सकता है माइनस हो। तो ओ लाइन और प्लस ये हमें दिखता है, जबकि दूसरे फिगर में जो कि एक से दूसरे पर आया, ये प्लस उठकर यहाँ चला गया है, सर्कल नीचे सरक गया है, और ये जो लाइन थी जिसको मैं माइनस भी कह रहा था वो और नीचे चला गया। तो कुल मिला के रोटेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। 3 से 4 में रोटेशन ऐसा ही होगा। तो ट्राइंगल हमें यहाँ सबसे ऊपर रखना है। एक बार ऑप्शन देखूँ तो बी सी और डी सिरे से खारिज, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है। और अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करना भी चाहूँ तो जो स्क्वायर शेप है बीच में आना चाहिए, और ये जो रेक्टेंगल जैसा शेप है सबसे नीचे जाना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये तीनों ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है कि लुप्त वर्ग कौन सा होगा, दिए गए जो वर्ग हैं उनमें लुप्त वर्ग निकालिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस सर्कल के साथ कुल 3 डंडे हमें दिखते हैं, है ना, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में जाके 2 हो गए। अब हमें ये देखना है कि इनका रोटेशन कैसा हो रहा होगा। इसको मैं ए बी और सी नाम दे देता हूँ, एक बार बी को भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी देखिए 3 डंडे जैसी आकृति है, सेकंड में भी 3 डंडे जैसी आकृति है, और अंत में जाके ये 2 रह गई। इसका मतलब तीसरी जो आकृति बनती है उसमें एक कम हो जाता है, यहाँ डंडों की संख्या 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 रह गई। अब इनका रोटेशन पकड़ लेते हैं हम लोग, फिर उसी बात को हम लोग सी में अप्लाई करेंगे। देखिए ये 3 डंडे जो हमारे पास थे ये 90 डिग्री के क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में घूमे हैं, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पे घूमे हैं। अर्थात ये वाला जो डंडा आपको पहला दिख रहा है ये उठ के यहाँ चला गया, दूसरा वाला जो है वो उठ के यहाँ चला गया, और तीसरा वाला रोटेट होकर यहाँ चला गया। ठीक है, तीसरे फिगर में क्या हुआ ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जो दूसरा वाला डंडा था वो 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया आपका, और ये वाला डंडा वापस 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, और जो पहला डंडा था वो गायब हो गया। ठीक, बी में देखते हैं कि क्या यही चीज़ लागू हो रही है। देखिए बी में अगर मैं इसको पकड़ के चलूँ पहला, तो ये 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, सही चल रहा है। ये वाला 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, और ये वाला 90 डिग्री घूमकर आपका यहाँ पर पहुँच चुका है, मतलब सही चल रहा है। तीसरे फिगर में क्या लॉजिक होना चाहिए कि जो सबसे पहला है वो गायब होगा, अर्थात ये वाला गायब होगा, ये घूमकर यहाँ आना चाहिए, और देखिए ऐसा ही हो रहा है, ये घूमकर यहाँ आ रहा है, और ये वाला घूम के 90 डिग्री पे अर्थात यहाँ जाना चाहिए और यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो मतलब जो लॉजिक हम लोग सोच रहे हैं वो एकदम सही है। सी में भी यही हम लोग अप्लाई करेंगे। सीधा वाला डंडा और ये 90 डिग्री घूम के देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया। अगले चित्र में क्या होना चाहिए, ये वाला डंडा गायब होगा और ये वाला डंडा घूम के हमारा यहाँ चला जाएगा। और अगर इस फिगर की मैं बात करूँ तो ये मुझे दिखता है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38। वापस से जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले वर्गों की संख्या काउंट करी थी, फिर से एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन है वर्गों की संख्या देखिए, तो देखिए इतने वाले हिस्से को अगर आप देखें तो जो हम लोगों ने पहले देखा था क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे हमें चित्र मिलेगा। 1, 2, 3, 4 और एक ही बड़ा वाला 5 प्लस इस दूसरे हिस्से से भी उसी प्रकार से 5 वर्ग हमें मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस पहले हिस्से को मैं कंसिडर करूँ तो देखिए 1 वर्ग हमारा यहाँ पर और बन रहा है +1, और 1 वर्ग हमारा यहाँ पर और बन रहा है, इसको भी मैं डालता हूँ +1। तो 12 वर्ग तो हमारे यहाँ बन गए, लेकिन लेकिन 1 वर्ग हमारा ये वाला भी बन जाएगा। ये जनरली हम लोग कैलकुलेट करते वक्त मिस कर जाते हैं, और इस प्रकार से वर्गों की कुल संख्या जो बनेगी वो बनेगी 13। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि पेल का जो संकेत है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा, देखने में हमें आसानी रहेगी। पेल का संकेत है 7, 8, 6, 5, और अर्थ का जो संकेत है वो कहता है 5, 8, 4, 3 और 2। हमें निकालना है अलर्ट का संकेत क्या होगा। तो अलर्ट का संकेत निकालने के लिए आप भी थोड़े से अलर्ट रहें और अगर ध्यान दें तो देखिए अलर्ट जो शब्द है
वो पेल और अर्थ के वर्णों से मिलकर बना है। इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं वो ऑलरेडी इसमें हैं, तो कोई और लॉजिक सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अलर्ट का ALE आपको यहाँ से मिलता है, अर्थात 865 आप लिख दें, और अर्थ के RT में से RT आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब आप लिखेंगे 43। इसको ऑप्शन में चेक करेंगे तो 865 43 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, गोदरेज का कोड करा गया है KFSEPH, इसको हम लोग लिखते हैं गोदरेज का कोड हमें दिया गया KFSEPH, जबकि हमें कोड निकालना है रेड का। पूछा गया जी रेड का कोड बताओ, चलिए लॉजिक देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही तरीका होता है करने का वो होता है आप इसके ऊपर नंबर डाल लें, नंबर डाल के मैं बता रहा हूँ, और वैसे भी क्योंकि PSC के एग्ज़ाम में आपको गुड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, अगर आप एक एक लेटर को लेके भी चेक करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन नंबर डालने से चीज़ें आसान हो जाती है। जी का कोड 7 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, आर का 18, ई का 5 और जे का कोड 20 होता है, के का 11, एफ का 6, एस 19, ई 5, पी 16 और एच का कोड बनता है 8। अगर आप इनको सीधा देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि 7 से 11 आएगा प्लस का 4, फिर 15 से 6 आएगा माइनस का 9, 4 से 19 आएगा प्लस का 15, मामला अटकता सा दिखता है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आप इसको रिवर्स देखें तो देखिए 7 और एक 8, 15 और एक 16, 4 और एक 5, 18 और एक 19, इधर ई का 5 और एफ 6, जे का 20 और के का कोड हमें मिलता है इधर 11, सॉरी जे का कोड 10 होता है ना, मैंने गलत लिख दिया था, जे 10 होता है। तो कुल मिला के चीज़ों को आपको रिवर्स लिखना है और फिर उसमें आपको प्लस 1 करके कोड लिखना है। तो रेड को मैं उल्टा लिख दूंगा DER, और अब इसमें एक जोड़ के मेरा आंसर बनेगा, तो D के बाद आता है E के बाद आता है F, R के बाद आता है S, आंसर बनना चाहिए मेरा EFS, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 41, क्वेश्चन में कहा गया कि ध्यान से इस साइन को लोग हम लोग कहते हैं समानुपात या प्रोपोर्शन के बाएं भाग के आंकड़े, बाएं भाग के आंकड़े मतलब 6/42 और इधर है 9 और क्वेश्चन मार्क। बाएं भाग के अंक जोड़ को देखिए, इसमें एक निश्चित संबंध है, इसी संबंध के अनुसार दाहिने तरफ के जोड़ में लुप्त अंक क्या होगा, अर्थात इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए पहले एक लॉजिक तो सामान्य जो समझ में आता है वो आता है कि 4 और 2 को जोड़ के कहीं ना कहीं 6 आ गया होगा, तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन 99 उठा के लिखूँ तो 9 मेरा बनता है 18, जो कि एक दो अंकों की संख्या है, इसको मैं वापस जोड़ता हूँ 8 और एक 9, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। बाकी ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शन है मेरा 54, अगर मैं 54 के अंकों को भी जोड़ूं तो ये भी 9 बन जाता है, इसका मतलब अभी जो मैं लॉजिक सोच रहा था वो लॉजिक सही नहीं है। फिर क्या, 6 से 42 लाने का जो तरीका एक और हो सकता है वो होता है 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो ठीक इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर प्लस 9 अर्थात 90 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी आयोग की उत्तर पुस्तिका में भी इनमें से कोई नहीं ये आंसर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, जो कि बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग या फिर शब्द का अर्थ निकालने का, मतलब हिंदी भाषा पे या फिर इंग्लिश भाषा पे आपकी कितनी पकड़ है उसके आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। देखते हैं प्रश्न है, उसका नाजुक कॉन्स्टिट्यूशन मुंबई की बहुत अधिक गर्मी तथा आर्द्रता को सहन नहीं कर सकता। देखिए बहुत क्लियर लिखा गया है कि दिए गए संदर्भ में आपको इसका अर्थ निकालना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी पढ़ाई का भी एक हिस्सा रहा है उस तरफ आप लोग नहीं जाएंगे। अगर आप ऑप्शन में देखें तो एक किताब और एक दस्तावेज, इसको हम लोग यहाँ पे स्वीकार नहीं करेंगे। नियमों का समुच्चय जो कि सामान्य अर्थ में हम लोग इसको समझते हैं, वो भी इस संदर्भ में सही नहीं है। शरीर का भौतिक चरित्र या व्यक्ति का मानसिक रूप से तैयार होना, इसमें भी जो ज़्यादा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलने से पहले, ये हमारी भाई टेस्ट सीरीज़ है, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो पहले भी मैं इसकी जानकारी आपको दे चुका हूँ, 1 जुलाई 2021 को हम लोग इसको लाइव करेंगे, जिसमें आपको
23 टेस्ट, 10 FLT, 10 यूनिट टेस्ट और 3 CSAT के टेस्ट मिलने वाले हैं। टेस्ट बाइलिंगुअल होंगे, टेस्ट के डेमो अवेलेबल हैं, एक FLT का डेमो और एक यूनिट टेस्ट का डेमो आपको मिल जाएगा, वो आप ज़रूर अटेंड कर लें और उस बेसिस पे आप हमारे टेस्ट सीरीज परचेस करें अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो। किसी भी तरह की डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 43, इसमें कहा गया दिए गए वाक्य में शार्पनेस शब्द का अर्थ क्या होगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड शार्पनेस। हाँ जी, गणित की शिक्षा प्राप्त करने से अपनी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक कौशल में शार्पनेस आती है। इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर दी गई थी, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग अर्थ के संदर्भ में अगर बात करें, पहला है नुकीला करना। भाई गणित पढ़ने से दिमाग नुकीला नहीं हो जाता, वरना जगह जगह जाके छेद करो, तो ये तो गलत जवाब। बेहतर का कारण होना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। मंद बुद्धि होना, वो तो बोल रहा है कि भाई शार्पनेस आएगी और शार्पनेस का मतलब मंद बुद्धि नहीं होगा। खतरनाक बनना, भाई खतरनाक भी नहीं बनेंगे तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, अखबार आदर्श रूप में रिक्त स्थान के संचार का माध्यम होना चाहिए। जनश्रुति जी नहीं, जनश्रुति नहीं, समविभ्रम नहीं, ये भी नहीं, मत प्रचार, मत प्रचार का तो कहीं से कहीं तक साधन नहीं होना चाहिए, सूचनाओं का एवं तथ्यों का, यही एकमात्र सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, जहां पर आप देखिए कुछ खाने पीने की बात चल रही है। प्रश्न कहता है नमक को स्वाद के लिए मिलाना, नहीं इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, आधा किलो आलू को उबालना, ये हो सकता है, और देखते हैं प्याज को तलना और उसमें आलू मिलाना, इसका मतलब आलू उबालने के बाद ही प्याज को तला गया होगा, तो दो के बाद तीन आएगा, है ना, आलू तभी मिलेंगे। फिर कहा उबले हुए आलू को छिलना और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो अब ये इससे और पहले आ सकता है, भाई दो के बाद चार आ सकता है कि आलू को छिलो, छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और फिर प्याज में तलो, ये केवल संभावनाओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या है, तेल को गर्म करना और उसमें मसाला तथा प्याज के टुकड़े मिलाना, ये और पहले की बात हो सकती है, और अंत में होगा नमक को स्वाद के लिए मिलाना। तो इन पांच वाक्यों के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दो से तो कहानी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आलू की जो बात कही गई वो प्रश्न क्रमांक दो में कही गई, और नमक को स्वाद के अनुसार मिलाना ये सबसे आखिरी में जाना चाहिए, तो स्टार्ट दो से अंत एक से, ऐसा ऑप्शन हम लोग पकड़ते हैं। तो देखिए दो से ना तो ए स्टार्ट हो रहा है, ना बी ना ही सी, अर्थात तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा, दो से स्टार्ट होकर एक पर ख़त्म हो रहा है। आप चाहें तो इसको ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, सबसे पहले दो अर्थात आधा किलोग्राम आलू को उबालिए, फिर चार मतलब उबले हुए आलू को छिलना और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ऑप्शन नंबर पाँच तेल को गर्म करना और उसमें मसाला तथा प्याज के टुकड़े मिलाना, क्रमांक तीन प्याज को तलना और उसमें आलू मिलाना, और आखिरी में नमक को स्वाद के लिए मिलाना और फिर खा पी के सो जाना। प्रश्न क्रमांक 46, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तब कितने बार हस्त मिलन होगा। इस क्वेश्चन पे चलूं उससे पहले आपके साथ इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए अगर 5 खिलाड़ी हैं, 10 ना होकर, कोई ऐसा खेल है या आपके 4 दोस्त और हैं, आप 5 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ये एक ही बार होना चाहिए, तो पहला जो व्यक्ति है वो बचे हुए 4 लोगों से हाथ मिला सकता है, उसके बाद इसका टाटा बाय बाय, काम हो गया इसका। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, ये बचे हुए 3 लोगों से हाथ मिला पाएगा। तीसरा व्यक्ति बचे हुए 2 लोगों से हाथ मिला पाएगा, और चौथा व्यक्ति केवल एक व्यक्ति बचेगा उससे हाथ मिला पाएगा, और आखिरी व्यक्ति का हैंडशेक कंसिडर नहीं करा जाएगा क्योंकि खुद से हाथ मिला सकता है, इसके अलावा तो बाकी सबसे ऑलरेडी मिला चुका है। तो कुल संख्या हमारी बनेगी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक। तो देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका है, जब मैंने संख्या 5 ली है ना, तो अगर मैं इसको n से डिनोट करूं तो इसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं n(n-1)/2। कैसे, n की जगह मैंने लिखा 5 × 4/2, 2 × 2 = 4, और आंसर देखिए आपका 10 निकल कर आ गया। ऐसे ही बास्केटबॉल का जब उसने बोला तो कुल 10 लोग हैं, मतलब n का मान आपका बनेगा 10, आपका फाइनल आंसर बनेगा 10 × 9/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9×5 = 45, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए एक डाउटफुल क्वेश्चन है। आयोग ने इसका जो आंसर दिया
और मैं लॉजिकली जो इसका आंसर सोचता हूँ उसमें फ़र्क है। मैं दोनों ही बात को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया कि शाम ने कुछ पाइनएप्पल और कुछ कोकोनट खरीदे, तो पाइनएप्पल को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ और कोकोनट को सी से। ये दोनों खरीद के लाया, एक पाइनएप्पल आता है 70 रुपये का, ठीक, और एक कोकोनट आता है 50 रुपये का, ठीक है जी। श्याम ने कुल 380 रुपये खर्च करे, मतलब पाइनएप्पल और कोकोनट को खरीद कर 380 रुपये उसने खर्च करे हैं, तो ये बताइए कि कितने पाइनएप्पल उसने खरीदे थे, ठीक। अब अगर सामान्य बात करें हम लोग, ये एक समीकरण हमारे पास है और उस समीकरण में दो वेरिएबल, दो चर राशियां हैं, तो सामान्य अर्थों में ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए आयोग ने इसका आंसर दिया डाटा इज इनसफिशिएंट। लेकिन यदि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा रीजनिंग लगाएं तो देखिएगा क्या संभावना बनती है और उस हिसाब से आंसर क्या आता है। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि आपको 380 रुपये खर्च करने हैं और आप कोई भी चीज़ टुकड़ों में नहीं ले सकते, ऐसा तो होगा नहीं कि आधा कोकोनट दे दो या आधा पाइनएप्पल दे दो, है ना। पहला केस मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि कोई भी पाइनएप्पल ना खरीदे, बोले मैं तो 0 खरीद के ला रहा हूँ, एक भी नहीं खरीदना, सारे के सारे कोकोनट खरीदेगा, तो क्या 380 50 से डिवाइड होगा? जी नहीं होगा, मतलब ये संभावना नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, बोलते हैं एक पाइनएप्पल खरीद लो, एक पाइनएप्पल अगर खरीद लिया तो 380 माइनस 70 अर्थात 310 रुपये बचते हैं, तो क्या 310 50 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये संभावना भी हमारे पास नहीं है। संभावना तीन की बात करते हैं, बोलते हैं दो पाइनएप्पल खरीद लो, भाई दो पाइनएप्पल 140 रुपये के आते हैं 70 रुपये के हिसाब से, तो इस केस में उसके पास बचेंगे 240 रुपये, तो क्या 240 रुपये 50 से डिवाइड होते हैं? जी नहीं, तो ये संभावना भी गलत है। चौथा मैं कहता हूँ तीन पाइनएप्पल खरीद लो, जब वो तीन पाइनएप्पल खरीदेगा तो 210 रुपये खर्च कर देगा, बचेंगे कितने उसके पास 170 रुपये, अभी 170 भी 50 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संभावना भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। संभावना नंबर पाँच को देखिएगा, अगर वो मान लीजिए चार पाइनएप्पल खरीदता है, तो भाई चार पाइनएप्पल वो 280 रुपये के खरीदेगा, उसके बाद उसके पास 100 रुपये बचेंगे और 100 रुपये में वो दो कोकोनट बड़े आराम से खरीद सकता है, तो मेरे हिसाब से तो जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चार पाइनएप्पल वो खरीद के लाया। और पिछले 10-11 सालों से मैं जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे काम कर रहा हूँ, मेरा अनुभव और कई जगह पर देखे हुए प्रश्न यही कहते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के साथ भी आप वाद विवाद नहीं कर सकते, फिर अल्टीमेटली आयोग जो आंसर देता है उसको स्वीकारना होता ही है, लेकिन एज अ टीचर मैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको रिकमेंड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, अतीत में उपभोक्ता शायद ही किसी आइसक्रीम की दुकान में जाते थे और कम वसा वाली आइसक्रीम को ऑर्डर देते थे, लेकिन आज यह बात नहीं है। एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उसके साथ ही सभी श्रेणियों में स्वादिष्ट कम वसा वाली वस्तुओं में अधिक चयन की सुविधा ने आइसक्रीम दुकान मालिकों के लिए कम वसा वाली आइसक्रीम को एक बहुत ही लाभदायक वस्तु बना दिया है। इस अनुच्छेद का सबसे अधिक समर्थन करने वाला कथन कौन सा है? कम वसा के आइसक्रीम दुकान मालिक के लिए अधिक लाभदायक हैं, ये हो सकता है। अतीत में ग्राहक बहुत चयनात्मक थे, ये तो बिल्कुल संभावना नहीं बनती क्योंकि वर्तमान में ग्राहक चयनात्मक हो गए हैं, अब ग्राहक बहुत चयनात्मक हैं, ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन है, अब ग्राहक स्वाद की परवाह नहीं करते, ये बात भी गलत है क्योंकि देखिए उसने लिखा था कम वसा वाले आइसक्रीम का ऑर्डर देते हैं, है ना, और आगे लिखा गया था बढ़ती हुई स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उसके साथ ही सभी श्रेणियों में स्वादिष्ट कम वसा वाली वस्तु, तो कम स्वाद जैसी तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और सी में अब हमारा चयन होगा जिसमें उसने ये कहा गया है सबसे अधिक समर्थन कौन करता है, तो देखिए ग्राहक चयनात्मक हो गए हैं, ये इस पैसेज का मूल मुद्दा है, ये इसका समर्थन करेगा, ठीक है ए, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं, कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं और कुछ घमंडी होते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि, वैसे तो सामान्य प्रश्न है लेकिन देखिए सिलॉग की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस प्रकार की ड्राइंग हमारी बननी चाहिए,
और आगे कहता है कुछ खिलाड़ी घमंडी होते हैं, वे कुछ खिलाड़ी घमंडी इस प्रकार से बनेगा। कंक्लूजन देखें, खिलाड़ी आम तौर पर धनवान और घमंडी होते हैं। अगर आप चित्र ही देख पा रहे हैं तो कुछ हिस्सा खाली अभी भी पड़ा हुआ है, इसलिए पहला कंक्लूजन मैं नहीं निकाल पाऊंगा। दूसरा, खिलाड़ी आम तौर पर गरीब और घमंडी होते हैं, तो ये कंक्लूजन भी चित्र से स्पष्ट है, नहीं निकलेगा। और बोलता है सभी खिलाड़ी घमंडी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कुछ खिलाड़ी घमंडी होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। केवल ऑप्शन डी है, वैसे तो वो आंसर होगा, लेकिन उस पर फिर भी विचार हम लोग कर लें। कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं लेकिन घमंडी नहीं, भाई कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये खिलाड़ी घमंडी होना ज़रूरी नहीं है, ये खिलाड़ी घमंडी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सर्वोचित ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे देश में मृत्यु दंड केवल विरलतम से विरल अपराधों के लिए दिया जाता है, फिर भी हमारे जैसे एक आधुनिक समाज में सजा के इस विधा को समाप्त करने के लिए जोरदार मांग उठी है। इस दिशा में मुख्य तर्क का आधार यह तथ्य है कि हाल में बहुत से देशों में इसको समाप्त कर दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि दिए गए चार ऑप्शन में से हमें चयन करना है। मृत्यु दंड और कहीं नहीं है, देखिए ये कोई फिक्स बात हमें ऊपर से नहीं मिल रही। हर एक वर्ष हमारे देश में कई लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। हालांकि उसने ये कहा कि विरलतम से विरल अपराधों के लिए दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन जो है हमारा, हर एक वर्ष हमारे देश में कई लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, अभी कंसिडर कर लेते हैं, देखते हैं, हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना होगा आगे। अब केवल हमारे देश में मृत्यु दंड दिया जाता है, ऐसी बात नहीं कही गई पैसेज में कहीं पर भी। कई लोगों को लगता है कि मृत्यु दंड सजा देने का एक अच्छा तरीका नहीं है, इसको भी कंसिडर करेंगे। और अब अगर बी और डी की तुलना करें तो डी सबसे सही जवाब है, क्योंकि देखिए सीधा सा लिखा हुआ था, सजा की इस विधा को समाप्त करने के लिए जोरदार मांग उठी है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आज के 25 प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके नॉलेज भी इससे बढ़ा होगा। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके फिर जाएं। हमारी टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी प्रकार के वीडियो लेकर हम आपके साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे।